माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शहरी में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया, इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था, क्यों। बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया।